हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक। मैं चैलेंज शेखावत, एसी टेक के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की जो इस वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल किस तरह से काम करती है और इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल। तो सबसे पहले आता है कॉम्प्रेसर, उसके बाद आता है कंडेंसर, उसके बाद एक्सपांशन वॉल्व और फिर इवोपरेटर। और इन सब का कनेक्शन इस तरह से होता है। कंप्रेसर से एक आउटलाइन जाती है कंडेंसर में, कंडेंसर का आउटलेट जाता है एक्सपांशन में, एक्सपांशन का आउटलेट इवोपरेटर में और इवोपरेटर का आउटलेट वापस कंप्रेसर के सक्शन लाइन में। तो इन लाइंस को क्या बोलते हैं हम, जो कंप्रेसर है उसका जो इनलेट है, आप देख सकते हैं जो इवोपरेटर से लाइन आ रही है कंप्रेसर में, आप देख सकते हैं यहाँ से जो लाइन आ रही है ये, इसे हम बोलते हैं सक्शन लाइन। ओके, कंप्रेसर का जो आउटपुट है उसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन, और कंडेंसर का जो आउटलेट है यहाँ से ये एक्सपांशन वॉल्व में जा रही है, इसे हम बोलते हैं लिक्विड लाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्रेसर का मेन काम क्या है। तो कंप्रेसर का जो काम है वो है लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना है। इससे इसमें क्या होता है कि जो कंप्रेसर है ये रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने की वजह से क्या होता है उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। दूसरा काम है कंप्रेसर का प्रेशर डिफरेंस मेंटेन रखना सिस्टम में, क्योंकि कंप्रेसर के एक साइड होता है लो प्रेशर और दूसरे साइड होता है हाई प्रेशर। आगे की स्लाइड में मैं आपको इसके ऊपर डिटेल्स में बताऊंगा। इसके बाद तीसरा काम है जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है हमारे सिस्टम में, कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से एक्सपांशन वॉल और फिर इवोपरेटर और फिर इवोपरेटर से कंप्रेसर, ये जो फ्लो होता है ये किसकी वजह से होता है, कंप्रेसर की वजह से। तो ये मुख्य काम है कंप्रेसर के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड, ये है प्रेशर साइड, आप देख सकते हैं जो कंप्रेसर है उसके राइट साइड में ये देख सकते हैं आप हाई प्रेशर साइड है, यहाँ पे ब्लू मार्किंग की हुई है, ये जो साइड है पूरी ये हाई प्रेशर साइड है। और ये कंप्रेसर ये प्रेशर डिफरेंस का भी मेंटेन रखने का काम करता है। और ये जो साइड है एक्सपांशन वॉल के ये साइड में आप देख सकते हैं ये है लो प्रेशर साइड। आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं जो कंप्रेसर है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वेपर रेफ्रिजरेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में कि रेफ्रिजरेंट कौन से स्टेट होता है, उसका प्रेशर क्या होता है, उसका टेम्परेचर कैसा होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से बढ़ती है किसकी तरफ, कंडेंसर की तरफ। कंडेंसर में हम क्या करते हैं जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है डाउन कर देते हैं। कंडेंसर कहाँ लगा होता है, आउटडोर यूनिट में। ओके, तो वहाँ पे हम एयर की मदद से या चिलर होता है उसके अंदर पानी की मदद से जो उसका है टेम्परेचर डाउन कर देते हैं। और डाउन होने की वजह से इस वेपर रेफ्रिजरेंट का जो है टेम्परेचर डाउन होने की वजह से क्या होता है, जो वो वेपर रेफ्रिजरेंट है चेंज हो जाती है लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। तो जैसा आप देख सकते हैं कि कंडेंसर में हाई प्रेशर की जो रेफ्रिजरेंट है और हाई टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट है उससे क्या होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर विथ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा स्टेट हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ये मीडियम भी बोल सकते हैं आप इसको, लो टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो उसमें कन्वर्ट हो गई है। इसीलिए इस लाइन को हम बोलते हैं लिक्विड लाइन, इस लाइन में हमेशा लिक्विड होनी चाहिए। ओके, लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही होनी चाहिए, अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट नहीं होगी तो आगे एक्सपांशन नहीं होगा, इवोपरेशन नहीं होगा और लास्ट में हमारे जो ओवरऑल सिस्टम का है प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेसर में क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, कंडेंसर में क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, प्रेशर उतना का उतना ही है, हाई प्रेशर है इसमें भी, यहाँ भी हाई प्रेशर था। ओके, आगे क्या होता है, एक्सपांशन वॉल्व आगे ये जाती है एक्सपांशन वॉल्व में। तो एक्सपांशन वॉल्व क्या करता है कि जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर ड्रॉप करता है, किस तरह से, इसके अंदर एक बहुत बारीक जगह होती है जहाँ से रेफ्रिजरेंट पास होता है और ये पास होने की वजह से जो उसका जो प्रेशर है वो डाउन हो जाता है। दूसरा काम जो एक्सपांशन वॉल्व करता है वो प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करने का, जैसे कि हमने देखा कंडेंसर के केस में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लो प्रेशर साइड है और हाई प्रेशर साइड, जैसा कि कंप्रेसर में एक साइड लो प्रेशर है उसी तरह से एक्सपांशन वॉल्व में भी एक साइड लो प्रेशर है और इस साइड जो है हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो एक्सपांशन वॉल्व से रेफ्रिजरेंट निकलती है उसका स्टेट क्या होता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर की लिक्विड रेफ्रिजरेंट। ओके, अभी जो टेम्परेचर है वो भी कम हो गया है, प्रेशर भी कम हो गया है, लेकिन जो रेफ्रिजरेंट है वो अभी भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। तो ये जो रेफ्रिजरेंट है जाती है कहाँ पे, इवोपरेटर में। तो इवोपरेटर का क्या काम है, इवोपरेटर क्या करता है, जो एडजॉइनिंग है जहाँ पे भी इवोपरेटर लगा है वहाँ की जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि हम देखेंगे रेफ्रिजरेटर के केस में अंदर
जो इवोपरेटर होता है वो अंदर जो भी हमने खाना रखा है या कुछ भी चीज़ें रखी है उसकी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। एसी के केस में इंडोर में जो एयर है उसकी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, उसका जो रेफ्रिजरेंट का स्टेट है वो चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट है लिक्विड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बॉयल होने की वजह से, क्योंकि क्या होता है जो रेफ्रिजरेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे हम अगर पेट्रोल लेते हैं और पेट्रोल अगर आपके हाथ पे डालते हैं तो हाथ को क्या होता है, वो पेट्रोल इवोपरेट हो जाता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और उसी दौरान आप देखेंगे कि जो आपका हाथ है वो ठंडा हो गया, तो यहाँ की वो हीट एब्जॉर्ब करके वो इवोपरेट हो जाता है, खुद हाथ की आपकी जो हीट है वो एब्जॉर्ब करता है और इवोपरेट हो जाता है। इसी तरह से हमारे रेफ्रिजरेंट का भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, यहाँ पे क्या करता है ये एडजॉइनिंग की हीट ले लेता है और वो बॉयल होके इवोपरेट हो जाता है, और क्या करता है जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसे चेंज कर देता है वेपर रेफ्रिजरेंट में। और आप देख सकते हैं इवोपरेटर से जो आउट निकलती है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर रेफ्रिजरेंट आउट होती है, और ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर की जो वेपर रेफ्रिजरेंट है ये जाती है सक्शन लाइन में, और इसी तरह से फ्रेंड्स ये साइकिल चलती है वेपर कंप्रेशन साइकिल की। अगर आपको इसके बारे में और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, हम ज़रूर उसके आंसर्स देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।